खास तौर पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव रोनित दास वर्क एंड रोनित दास मोना एंड गुरदीप ऑल्सो फैंटास्टिक एक्टर्स एंड जितना भी मैंने टीजर देखा है बहुत बढ़िया लग रहा है सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। ओके हमने अभी भी देखी वैसे इट्स अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आप कुछ कहना चाहेंगे यू नो इंडियन ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी क्योंकि इंडियन ऑडियंस और ऑडियंस अब्रॉड का फर्क रहा ही नहीं है बिकॉज इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो इवॉल्व सो मच इंडियन सिनेमा इंडियन टेलीविजन इंडियन मीडिया इवॉल्व सो मच के शोज के जॉनर चेंज होते हैं वी कैन टच अपॉन बोल्ड सब्जेक्ट्स लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल और दोस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स सो आई थिंक अब इंडियन ऑडियंस और दूसरी ऑडियंस ज़्यादा फर्क नहीं रहा सो दे एक्सेप्ट एवरीथिंग एल्स But you know, हम सालों से like when we were kids, we've seen Bold and Beautiful and Bold and Beautiful में तो इतने twists and turns थे कि हमारे लिए as kids it was scandalous. But as you grow up and you understand what society is all about, you understand कि ये सब होता है. Started भी देखता है क्योंकि में भी तो थे क्योंकि में कितने extramarital affairs थे क्योंकि साथ भी कभी होती also had a lot of complicated relationships right. But जहाँ तक trailers हैं ना बहुत mature तरीके से handle कर रहे हैं. It's not sleazy, it's not cheap, it's a very understanding, it's a very matured and meaningful relationship that they've explained over there. ओके शादी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिज आपकी भी शादी को लेकर यू नो बहुत ज़्यादा ऑडियंस भरोसा कुछ थोड़ा सा कम कर रही थी तो आप कुछ कहना चाहेंगे नाउ दैट यू proved it to the See, world it always takes time for someone to prove something to the audience or to the people who are watching be it marriage be it exam results or be it anything jab ghar pe padhai bhi karte ho aur mummy puchti padhai kaisi chal rahi hai hum kehte maa padhai achhi chal rahi hai to mummy bolti hai result aaya tab dekhenge तो माँ को भी भरोसा नहीं होता बच्चों की पढ़ाई पे आई थिंक इट ऑलवेज टेक्स टाइम फॉर प्रूविंग द गुड थिंग्स आउट बट यू नो शादी दो लोगों के बीच होती है हालांकि शादी पे आते मेहमान बहुत सारे हैं देखते लोग बहुत सारे हैं बट इट हैपेंस ओनली बिटवीन टू पीपल सो फॉर अस लोगों को प्रूव करने से ज़्यादा ये ज़रूरी था कि हम साथ में टैंगो करें सो फॉर अस इट टेक्स टू टैंगो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन एवरी मैरिज इन फैक्ट डिजिटल मीडियम इज मीडिया हैज नाउ बिकम हैज इवॉल्वड एंड हैज बिकम हैज गिवन एंटरटेनमेंट आई थिंक टेन फोल्ड मोर देन व्हाट इट वाज सम टाइम बैक बिकॉज अब डिजिटल के लिए क्या हो गया कि रीच इज बिकम मच बिगर अब इंसान टेलीविजन या थिएटर का मोहताज नहीं रहा एनी मिनट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनी कॉर्नर जहाँ आपके पास एडिक्वेट नेटवर्क है यू आर देयर एंड कीपिंग एट पार विद एंटरटेनमेंट And we are working together concerned and hopefully I think let's see if there's something that comes in our way we will definitely why not. Karan Ekta Kapoor ji ki is revolution ko lekar kya kahenge jis tarah se jab unhone TV start kiya tha logon ko kaafi pasand aaya and ab I think Ekta Balaji ke jariye web series all Balaji to is a breakthrough in its own self but I think Ekta is always known to do break the stereotypes and beer with Yuki या फिर इनफैक्ट मेरे शो ये मोहब्बत को भी देख लो पहली बार कोई हीरो शायद असली जैसे ऑलरेडी एक बच्चा हो एंड एक ऐसी औरत जो मान नहीं बन सकती थी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर सो इट इज नोन टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स एंड क्रिएट ट्रेंड्स आउट ऑफ दोस सो आई थिंक दिस इज अनदर ट्रेंड सेट इन बाय हर यू नो मुझे क्लियरली याद है एकता का एक पोस्ट था इंस्टाग्राम पे और उन्होंने कहा था कि आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ माई हार्ट एंड टर्निंग इन टू आर्ट सो जितनी भी चीज़ें वो बना रही हैं ना इट्स छोटे छोटे उनके दिल के टुकड़े हैं जो उन्होंने कभी बटोरे होंगे कभी समेटे होंगे कभी जोड़े होंगे और वो सब हम देख रहे हैं सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट कुछ नहीं है थैंक यू जी